फाइंड फॉर जीके पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं फाइंड फॉर जीके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में क्या अंतर है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहे। आप हमारे जीके के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक सा प्रतीत होता है कि सिस्मोग्राफ एवं रिक्टर स्केल में अंतर होता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को केवल यह ज्ञात होता है कि इनका प्रयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। इस तरह वह अनुमान लगाते हुए इस बात को सत्य मान लेते हैं कि दोनों उपकरण समान है। इस बात में कोई दोहराई नहीं कि इनका उपयोग भूकंप को मापने में किया जाता है, परंतु एक स्तर पर यह दोनों एक दूसरे से भिन्न है। रिक्टर स्केल सिर्फ भूकंप मापने जैसी आपदा के लिए कार्य करता है। यह भूकंप की तीव्रता, गति तथा तरंगों को मापता है। इसका विस्तृत प्रयोग भूकंप की ऊर्जा मापने के लिए भी किया जाता है। रिक्टर स्केल एक गणितीय पैमाना है जिसमें भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए 1 से लेकर 10 तक के पैमाने मौजूद रहते हैं। इनको रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल तथा रिक्टर परिमाण पैमाने जैसे वैकल्पिक नामों से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1935 में हुई थी, जो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर तथा बेनो गुटेनबर्ग ने की थी। रिक्टर स्केल से सूक्ष्म भूकंप को मापना थोड़ा जटिल होता है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा उदाहरण है जो पृथ्वी पर होने वाली समस्त हलचलों की गतियों को मापता है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य भूकंपीय स्रोतों से भूकंपीय तरंगें शामिल है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों का चित्रात्मक अध्ययन कराता है। यह रिक्टर स्केल का पूरक होता है। सिस्मोग्राफ को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जिसमें सिस्मोमीटर तथा सिस्मोस्कोप बहुत प्रचलित नाम है। पहला सिस्मोग्राफ 132 ईस्वी में चीन के हान राजवंश के झांग हेंग द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन 1880 के बाद इसको विकसित करने का श्रेय जॉन मिल ने जेम्स अल्फ्रेड इविंग और थॉमस ग्रे को दिया गया। सिस्मोग्राफ में छोटे से छोटे भूकंप तथा भूमि पर होने वाली हल्की से हल्की गतिविधियों को ज्ञान सरलता से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।